राष्ट्रपति का नागरिक अभिनंदन के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, यूपी आने पर राष्ट्रपति का अभिनंदन। विधानसभा पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, स्पीकर सतीश महाना ने किया स्वागत। ताजमहल के दीदार को पहुंचा G20 का डेलीगेशन, ताजमहल के पूर्वी गेट पर हुआ भव्य स्वागत। औरैया में भाजपा मंडल कार्य समिति की समीक्षा बैठक हुई, आगामी चुनाव को लेकर हुई चर्चा। वाराणसी में पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन, शादी कर दूल्हे के परिवार को लूटता था गिरोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर आगरा से है जहां पर G20 का डेलीगेशन ताजमहल का दीदार करने पहुंचा हुआ है। बता दें कि ताज के पूर्वी गेट पर विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। वहीं विदेशी मेहमान ताजमहल देखते ही उसकी सुंदरता के कायल हो गए और ताजमहल के साए में फोटोग्राफी करवाई। जानकारी के मुताबिक विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। G20 देशों का डेलीगेशन आज होटल ताज कन्वेंशन से ताजमहल का दीदार करने पहुंचा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के गेट के पास। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहां पर सिक्योरिटी है और दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल का दीदार विदेशी मेहमान कर रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करें, आगरा पुलिस की बात करें, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक डेलीगेशन की सुरक्षा की जा रही है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी। And I'm very happy to be here and today see the Taj Mahal. How do you like it? Oh, beautiful. It's one of the wonders of the world, and I'm very happy to have been here and with the group and visiting and having this opportunity to see for ourselves the Taj Mahal. So how do you like in India? What's your memory? Yeah, I love India and it's very nice, but I have been in India for 5 months and I will stay here for 3 years. So I am probably going to see much of the country. And the colors are sparkling, you know. You can see the change of colors in the marble. So I think, for all of you, it's very common. For me, it's a big gift. So it was a big gift to be in Accra and to visit the Taj. And all of us at the G20 have very much enjoyed ourselves. क्या नाम है आपका? तमसील परवाज। आप टूरिस्ट गाइड? यस, आई एम टूरिस्ट गाइड। आपने डेलीगेशन को आज घुमाया है, कैसा महसूस हुआ उनको, क्या कुछ कहा उन्होंने, किस बारे में उन्होंने जाना था? जो विजिट है हमारे डेलीगेशन की, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आते हुए वक्त में हम इन डेलीगेशन की और उम्मीद करते हैं ताकि अपने शहर को भी सुंदर बना सकें और अपने टूरिज़्म को और प्रमोट कर सकें, क्योंकि कोविड के बाद से हमारा पर्यटन जगत मृत प्राय है। तो इनको हमने अपने शहर की खासियत बताई, ताजमहल की खूबसूरती बताई, जो कि किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इतना खूबसूरत है, इट्स लाइक ए गोल्ड इन एनी कंडीशन। तो ये सब हमने उनको बताया और एक भव्यता का दर्शन कराया ताजमहल का। और ये बहुत अनोखी विजिट हो जाती है क्योंकि बहुत कम लोग हैं और ताजमहल इज़ क्लोज फॉर द जनरल पीपल, सो इट्स वेरी डिफरेंट विजिट फॉर देम। माँ कृपा फार्म हाउस एरवा कटरा में भाजपा मंडल कार्य समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मंडल सेक्टर और बूथ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अनिल गुप्ता ने बैठक कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर मल्यार्पण किया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों से पन्ना प्रमुख के कार्यों की समीक्षा के साथ उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ समाज के बाद के लोगों को जोड़ने के साथ आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तैयारियों में जुटने के लिए कहा गया है। बता दें कि मंडल अध्यक्ष हरिनारायण तिवारी, अनिल शाह के, सोनू तोमर, गौरव गुप्ता, गंगादत्त तिवारी, विकल तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। मंडल भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है यहाँ पर। हमारे मंडल अध्यक्ष हरिनारायण तिवारी जी और मंडल के
पदाधिकारी बूथ स्तर तक के लोग सेक्टर के लोग मौजूद रहे और उसमें आगामी लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में चर्चा हुई, जिसमें प्रमुखता से जोर इस बात पर दिया गया कि पन्ना प्रमुख बनाने का काम जो अभी तक चल रहा है उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाए। देवरिया में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई और नगर पालिका सभागार में डाटा प्रबंधन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यशाला को संबोधित करते हुए सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि ये भाजपा में संभव है कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री, एक साधारण परिवार का सन्यासी मुख्यमंत्री और एक साधारण सा बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके साथ ही दरी बिछाने वाला और पार्टी का झंडा ढोने वाला प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। इस कार्यक्रम में राजेंद्र मल, अभिषेक पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर कासगंज से है, जहां पर गंज डूंडवारा कोतवाली में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी हरिमान सिंह राठौर ने चार वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक चारों आरोपी कई मानों में वांछित चल रहे थे और चारों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र के मिहौली गांव में ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं हादसे में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की जानकारी आसपास के लोगों में पुलिस को दी। आनन फानन में दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर एक युवक का इलाज चल रहा है और दूसरे की हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया है। क्या हुआ? ये गांव से औरैया तरफ आ रहे थे, इनका एक्सीडेंट हुआ है। किससे एक्सीडेंट हुआ? कार से हुआ है। तो क्या कार चालक पकड़ा गया? हाँ पकड़ गया। बाइक में कितने लोग सवार थे? एक लोग है, ये अकेला था। क्या हालत इनकी अब? सीरियस है, बहुत कानपुर के लिए रेफर हो गए। क्या बच्चे इनके? तीन बच्चे हैं। जो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति थे वो निजामुद्दीन सनोखरी छोटे खान, ये काफ़ी गंभीर स्थिति में लाए गए थे। तो उनको बहुत सारे फ्रैक्चर हैं, दोनों पैर फ्रैक्चर हैं, जॉ का फ्रैक्चर है और हेड इंजरी भी है। उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रेफर किया गया है हरिचंद्र के लिए। जो दूसरे व्यक्ति थे वो फोर व्हीलर वाले राकेश कुमार चौहान सनोखरी लेट श्री नन्नूलाल चौहान, उनको फ्रैक्चर है लेफ्ट हैंड में, तो उनका भी प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनको रेफर किया गया। कहाँ निवासी है? ये हैं आगरा के, और जो फोर मोटरसाइकिल वाले थे वो औरैया के रहने वाले। ऐसे में ये ऐसा हुआ सर, मैं गाड़ी चला रहा था, आगे से जो है ना वो रॉन्ग साइड पे जो है ना बाइक लेके आ रहा था सर, तो बाइक के बचाने के चक्कर में मैं अपनी गाड़ी जो है ना ब्रेक मारी, पर मेरी गाड़ी जो है ना ब्रेक के जो है ना मीडियन वाले कर्व के पास स्लिप कर गई, तो मेरे ऊपर चढ़ गई और वो बाइक वाला जो है ना उससे टक्कर मार गया जो है सर। तो आपकी गाड़ी में कितने लोग सवार थे? मैं अकेला था जो है सर। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के नाहर सिंह कॉलोनी में एक मकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें घर का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर मकान में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि घर का सामान जलकर राख हो चुका है। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर फरीदाबाद से है, जहां मकान में भीषण आग लग गई है और बताते कि आग लगने से सामान जलकर पूरा खाक हो गया। वहीं पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज तीसरा और समापन कार्यक्रम था, जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और उन्होंने कार्यक्रम का समापन किया। जानकारी के मुताबिक इस इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं, जिससे प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रपति अपने संबोधन में कहा कि यूपी एक जिला एक उत्पाद के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह समिट सही मायनों में निवेशकों का महाकुंभ है। साथ ही इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्राइम टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार ने ऐसा इतिहास बनाया है कि जिससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक आर्थिक शक्ति और शैक्षिक शक्ति के रूप में उभरेगा। आज ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है। मुझे लगता है भारत का जो ये रिस्पांस मिला है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, ये भारत की इकोनॉमी को में बहुत बड़ा उछाल दे रहा है और सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा जेवर में जो फिल्म सिटी बनेगी, सबसे बड़ा लक्ष्य कागज लक्ष्य बढ़ के 32,95,000 करोड़ पहुंच चुका है। कितने लक्ष्य, ये महाराज जी की सोच निरंतर और यशस्वी प्रधानमंत्री की विचारधारा। विपक्ष बोल रहा है केवल धरातली दावे हैं, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, धरातल पे विपक्ष बोलते रहेगा, भारत विकास करता रहेगा। उनका काम है बोलना, हमारा काम है विकास करना। सांसद दिनेश लाल दिवाहुआ हमारे साथ हैं। सर, इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलेगी? देखिए, जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ आए, हमारे फिल्म जगत के अलग अलग लोगों को यहाँ बुलाया गया, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे आग्रह किया गया था। तो ये जो है, जैसे यहाँ पे फिल्म सिटी बनेगी तो आप देखेंगे कि सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग, भारत के अलग अलग राज्यों और फिल्म सिटी फिल्म के लोग तो आएंगे ही, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पे आएंगे काम करने के लिए, और फिर यहाँ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। भोजपुरी फिल्म सिटी कब तक बनेगी? देखिए, भोजपुरी फिल्म सिटी अलग से अगर आप चाहते हैं तो वो भी बन जाएगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में फिल्में बन रही है। पूजनीय महाराज जी ने जो सब्सिडी देना शुरू किया उत्तर प्रदेश के कलाकारों के रखने के बाद, और ज़्यादा पैसे बढ़ा के देना शुरू किया, उसके वजह से कोई एक ज़िला नहीं है जहां शूटिंग नहीं हो रही है, तो आने वाले दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निहुआ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए बेहतरी आएगी, और साथ ही साथ ये जो आयोजन हो रहा है, अब तक का देश का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इससे प्रदेश के विकास में रफ्तार आएगा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत